नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, दुबई से रिलेटेड बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा कि कौन से स्टेट के कितने कितने बंदे अभी आने वाले 8 मई से 13 मई के बीच में आने वाले हैं। और फर्स्ट में बात कर लेते हैं, मैं दुबई से एक फ़्लाइट उतर चुकी है, इसमें 177 यात्री आए थे जिनमें से 2 बच्चे थे और 11 गर्भवती महिलाएं थी। टोटल गर्भवती महिलाएं अकेली दुबई में 6,550 अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है। टोटल 2,00,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई, हम बात कर लेते हैं दुबई यूएस से रिलेटेड 2 मिनट की बातें, फिर आगे बताऊंगा कौन सी स्टेट से कितने बंदे आने वाले हैं। भाई, आप जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग किया है काम, तो बड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि आपको पता है सेवन डेज में मात्र 15,000 लोग इंडिया पहुंचेंगे। इनमें से देख लीजिए 6,500 तो अकेली दुबई से गर्भवती महिलाएं हैं जिनको लाना फर्स्ट प्राथमिकता है, जिनमें बच्चे बूढ़े बुजुर्ग वो अलग हैं। तो पहले तो वो आएंगे तो भाई थोड़ा मुश्किल है, बाकी डोंट वरी, जैसे लॉकडाउन पहले 7 दिन का हुआ था फिर बढ़ के 4 गुना हो गया, तो सेम वैसे फ्लाइटों में होने वाला है। टेंशन न लो, 13 तारीख के बाद बूम उठेगा फ्लाइटों का, सब आ जाएंगे तुरंत प्रभाव से। इस पर अलग से भी हम बात करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों, देखिए 10 स्टेटों से बंदे आएंगे। आपको पता है 15,000 लोग 10 स्टेटों से आएंगे। आप कौन से स्टेट से, आप तय कर लीजिए। उनमें से अभी जो इंडिया में 7 दिन में आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से स्टेट से कितने बंदे पहुंचेंगे अभी आने वाले 7 दिन में। देखिए, सबसे पहले केरल से सबसे ज्यादा लोग हैं। केरल से 3,150 लोग इंडिया पहुंचेंगे आने वाले 7 दिन में, और फर्स्ट फ्लाइट है वो भी कोची पहुंची है। 2 फ्लाइटें हैं दुबई के लिए, दोनों फ्लाइटें कोची उतरेंगी, जिनमें से लगभग 400-500 के करीब बंदे आएंगे। तो ये 3,150 बंदे कोची के हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ की अच्छी है, जिन्होंने पहले से कदम उठा लिए थे, इस वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं साथियों पंजाब। पंजाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या बहुत है, लेकिन आने वाले 7 दिन में ओनली फॉर 200 लोग पहुंचेंगे 10 स्टेटों में से, जो मैंने बताए थे 12-13 कंट्रियों में से जो बंदे आएंगे उनमें से मात्र 200 लोग पंजाब के पहुंचेंगे। आगे बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में साथियों 2,150 बंदे दिल्ली के पहुंचेंगे 10-12 कंट्रियों में से, थोड़े थोड़े करके जो भी हैं उनमें से। तमिलनाडु के पहुंचेंगे साथियों 1,900 बंदे आने वाले 7 दिन के अंदर। महाराष्ट्र के पहुंचेंगे 1,750 बंदे, ठीक है साथियों। तेलंगाना के पहुंचेंगे 1,100, यानी 1,100 बंदे तेलंगाना के आने वाले 7 दिन में आएंगे। गुजरात के पहुंचेंगे साथियों 650 आदमी आने वाले 7 दिन के अंदर। कर्नाटक के पहुंचेंगे 600 आदमी आने वाले 7 दिन के अंदर, 8 मई से 13 मई के बीच में। हम बात कर लेते हैं साथियों जम्मू एंड कश्मीर के, 200 लोग पहुंचेंगे गल्फ कंट्री से और दूसरी कंट्रियों से आने वाले 7 दिन के अंदर। यूपी के भी 200 बंदे पहुंचेंगे आने वाले 7 दिन के अंदर। ये 10 स्टेटों के बंदे पहुंचेंगे, मैंने आपको बता दिया। इनमें से हालांकि स्टेट तो बहुत ज़्यादा हैं साथियों, 20-22 स्टेटों के लोग बाहर रहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दी गई है। इनका टिकट का खर्चा इनका लगेगा, बाकी 14 दिन का जो क्वारंटाइन खर्चा वो भी इनका लगेगा, घर तक पहुँचने का टोटल खर्चा इनका ही है। और आगे 13 तारीख के बाद में, जैसे 7 दिन का ये शेड्यूल है गवर्नमेंट का, आगे आने वाले शेड्यूल में 100% चेंजिंग होने वाला है, वो हम आगे की टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल आपके मेरे पास जितनी जानकारी मैंने आपको दे दी कि भाई कौन सी स्टेट के कितने बंदे पहुंचने वाले हैं, और आगे जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।